नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तो आप सोच रहे होंगे कि अब क्या मतलब आगे की वीडियो में क्या। जी हाँ, जो तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, जो कि ट्रेंडी और हॉट टॉपिक चल रहा है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको ये बता दूँ कि आज हम क्या क्या छुएंगे, मतलब आज हमारा टॉपिक क्या क्या है, मतलब इस वीडियो में, वैक्सीनेशन की वीडियो में आज हमारा टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक नंबर 1, अमाउंट ऑफ वेस्टेज वैक्सीनेशन की। टॉप नंबर 2, टोटल वैक्सीन। नंबर 3, लेटेस्ट अपडेट ऑन वैक्सीन। जी हाँ, ये 3 टॉपिक आज हम छुएंगे, तो बने रहो और लास्ट में लाइक दबा के जाना। तो पहले आते हैं लेटेस्ट अपडेट ऑन वैक्सीनेशन। तो लेटेस्ट अपडेट तो आपको कल ही पता लग गई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कि और डोजेस आ रही है, और एक और उसने कवर कवर नहीं किया था, वो है कि 1 मई से, मतलब 1 मई कब हो गया आपका, 1 मई से मतलब अगले महीने से आप, हाँ 1 मई सैटरडे से 18 साल तक के लोगों को, मतलब 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन फ्री लगाना शुरू हो जाएगा। जो प्रोसेस है वो लगाना शुरू हो जाएगा। और हाँ देखो, पहले ही हो रहा था कि पहले अंकल आंटी, मॉम डैड या चाचा चाची को ही लग रही थी वैक्सीन, अब 2 लोगों को लगेगी, अंकल आंटी को भी लगेगी, ठीक है, और आपको भी लगेगी। तो फिकर नोट करो, आपका भी नंबर आ गया है। बस बस आपको बस प्रिकॉशन। अब आते हैं अमाउंट ऑफ वैक्सीन वेस्टेज। जी हाँ, सही सुना आपने, वेस्टेज। तो पहले आते हैं यूज वैक्सीन वेस्टेज बाय स्टेट टिल 11 अप्रैल, मतलब आज क्या है, हाँ आज 21 अप्रैल है। मोस्ट इन तमिलनाडु आरटीआर, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो न्यूज़ में दिखा रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं, नाम नहीं लूँगा कौन सी न्यूज़ में दिखा रहे हैं। मोस्ट इन तमिलनाडु 11 अप्रैल, और आर्टिकल में ये भी लिखा है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैक्सीन डोजेस हैज़ बीन वेस्टेड बाय सम स्टेट सिंस इंडिया बिगेन इनकुलेटेड पीपल अगेंस्ट कोविड इन जनवरी। ये न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन अप्लाई रिप्लाई हैज रिवील्ड एज सेवरल स्टेट रिपोर्ट एज वैक्सीन शॉर्टेज। ये जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो ना कि वैक्सीन की किल्लत, वैक्सीन की शॉर्टेज, वैक्सीन यहाँ शॉर्ट हो गई, यहाँ शॉर्ट हो गई, ये इसकी वजह से है। और तमिलनाडु रिपोर्टेड द हाईएस्ट वैक्सीन वेस्टेज ऑफ ओवर 12%, 12% तमिलनाडु में, फॉलोड बाय हरियाणा 9.74%। हरियाणा में 74% है, पंजाब में 8.12% है वेस्टेज, मणिपुर में 7.88% है, तेलंगाना में 7.55% है। तो हर जगह का अलग अलग है। अब आते हैं अमाउंट ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि 13 मिलियन, 13 मिलियन डोजेस गिवन है, मतलब दे दिए। अभी है 920 मिलियन, 920 मिलियन, और फुली रिकवर्ड है 208 मिलियन, और पॉल्यूशन फुली वैक्सीनेटेड है तो थोड़ा सा 2.7%, मतलब इतनी आबादी वाला देश जिसमें से आधी आबादी दिल्ली की है, उसमें से सिर्फ 2.7%। और इंडिया इंडिया में डोजेस कितने गिवन है, 1.27, सॉरी 1.27 मिलियन।